Hey guys, what's up? This is Indonix back with another video and आज के वीडियो में हम बात करेंगे ADSR के बारे में कि ADSR क्या होता है, म्यूज़िक में ADSR का कितना इंपॉर्टेंस है एंड ADSR एक्चुअली म्यूज़िक प्रोडक्शन में बहुत काम में आते हैं, साउंड डिजाइनिंग में एंड म्यूज़िक प्रोडक्शन में भी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि सब कुछ पता चले। ओके, तो ADSR स्टैंड्स फॉर अटैक सस्टेन एंड रिलीज। बेसिकली ADSR एक एनवेलप है। अब ये एनवेलप क्या है, तो एनवेलप को ऐसे समझ लो कि टाइम के साथ साथ साउंड में जो चेंजेस होता है उसको ही डिस्क्राइब करते हैं एनवेलप। इसके पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ MIDI के बारे में, मतलब वहाँ पे मैं एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक की प्रेस करने से एक MIDI मतलब MIDI नोट जनरेट होता है एंड उसको साउंड के रूप में हम सुनते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि उस वीडियो को जाके पहले देख लो ताकि आपको ADSR के बारे में और थोड़ा मतलब आसानी हो समझने पे। ओके, तो ADSR के बारे में अभी एक एक करके समझ लेते हैं। तो अभी स्क्रीन में देख रहे हो तो स्क्रीन में अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं FL स्टूडियो में। तो अभी FL स्टूडियो में हम प्रैक्टिकली ADSR को समझेंगे कि ADSR मतलब अटैक डिके सस्टेन एंड रिलीज क्या एक्चुअली है एंड कैसे काम करता है। तो उसके पहले हमको एक चीज़ ध्यान से समझना होगा, वो है कि ये जो फोटो आप देख रहे हो, इस फोटो को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे वाई एक्सिस में है एम्पलीट्यूड एंड एक्स एक्सिस में है टाइम। ओके, तो यहाँ पे अभी समझ लेते हैं कि काम कैसे होता है। तो देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है की प्रेस्ड, मतलब कोई की जब प्रेस होता है तो वो जो साउंड होता है, साउंड का जो पीक वैल्यू होता है, मतलब सबसे हाईएस्ट जो एम्पलीट्यूड होता है, तो वहाँ पे पहुँचने के लिए जितना टाइम लगता है, ठीक है, वो तो अटैक है। तो यहाँ पे वही ब्लू कलर का लाइन जो आप देख रहे हो, तो ये अटैक है, मतलब ये उसका पीक वैल्यू में जाने के लिए इतना टाइम लगा था, ठीक है। अब उसके बाद डीके आते हैं, डीके मतलब जो पीक वैल्यू में तो पहुंच गया है, मतलब पीक एम्पलीट्यूड में पहुंच गया है, ठीक है। अब साउंड उससे जब सस्टेन में आएगा तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो वो मेजर होता है डीके में। तो अटैक से सस्टेन में जाने के लिए जितना मतलब टाइम का फर्क होता है, तो वो उसको कंट्रोल करते हैं डीके। एंड उसके बाद आते हैं सस्टेन। अब सस्टेन जो है, सस्टेन मतलब वाई एक्सिस में काम करता है, ठीक है, मतलब इस ये लेवलिंग में काम करता है, एम्पलीट्यूड के लेवल मतलब कंट्रोल करने में काम आता है, तो वो होता है सस्टेन। सस्टेन मतलब हम कितना देर तक उसको मतलब कोई की को प्रेस करके रखा हुआ है, ठीक है, जब ही छोड़ देंगे तब वो बंद हो जाएगा, तो वो है सस्टेन। अब सस्टेन के बाद आता है कि रिलीज मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो सस्टेन मतलब कि मैं होल्ड करके रखा कोई की को, अब छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ने के बाद अगर रिलीज एकदम मतलब कम होगा, कम मतलब ये जो ब्लैक कलर का लाइन है ये इधर नहीं होगा, अगर इधर ही ख़त्म हो जाता, मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाता, तो मतलब जब भी मैं छोड़ता तब भी वो साउंड बंद हो जाता, ठीक है। पर यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हुआ है रिलीज़, मतलब थोड़ा सा इसमें टाइम में फ़र्क है, तो इसका मतलब है जब भी मैं छोड़ूंगा थोड़ी देर बाद इसमें साउंड मतलब बंद होगा। तो आके इसको प्रैक्टिकली अभी समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या होता है। ओके, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं GMS यूज़ करूँगा। GMS एक VST है, आप सुन सकते हो इसका साउंड, ठीक है। अब GMS में देखो, इधर जो दिख रहा है आपको, इधर सबसे ऊपर में अटैक है, डीके है, उसके बाद सस्टेन है एंड रिलीज है, ठीक है। अब ये नॉब, तो मैं अगर छेड़खानी करूँगा इस नॉब के साथ तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये मतलब यहाँ पे जो फोटो है इसके हिसाब से आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऊपर में एक मतलब एक सैम्पल लिया था, तो उस सैम्पल का जो एनवेलप होता है उसको यहाँ पे ओपन किया हुआ हो। तो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ कि जब मैं अटैक को छेड़ूंगा तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये है अटैक और उसके बाद है डीके, उसके बाद है सस्टेन एंड रिलीज। तो मैं जब अटैक को थोड़ा सा अप करता हूँ, मतलब इंक्रीज करता हूँ, तो देखो क्या हो रहा है, ये जो लंबा सा लाइन है ये अटैक है, ठीक है। तो अटैक ये मतलब इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब ये ब्लू कलर का लाइन है तो वही इंक्रीज़ हो रहा है। अब इंक्रीज़ कैसे हो रहा है, ये मतलब टाइम के साथ साथ हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के हिसाब से हो रहा है, मतलब ये ऊपर नीच नहीं हो रहा है, ठीक है, ये साइड मतलब साइड बाई साइड हो रहा है, तो ये तो समझ गए आप। तो इसके बाद आते हैं डीके। तो डीके में क्या हो रहा है, आप ध्यान से देखना डीके में क्या हो रहा है। डीके में ये जो रेड कलर का लाइन है यहाँ पे, तो वो लाइन ये लाइन है, ठीक है। अभी इसका मूवमेंट हो रहा है, वो भी मतलब एक्स एक्सिस बराबर ही हो रहा है, मतलब टाइम के हिसाब से ही हो रहा है। तो उसके बाद आता है सस्टेन। अब सस्टेन को देखो क्या हो रहा है, सस्टेन कौन सा एक्सिस में हो रहा है, सस्टेन हो रहा है वाई एक्सिस में, मतलब एम्पलीट्यूड में हो रहा है, मतलब ये लेबलिंग का काम में आ रहा है, ये टाइम का ले मतलब काम में नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हो। एंड उसके बाद आता है रिलीज़। रिलीज़ भी सेम मतलब वो एक्स एक्सिस में ही हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस बराबर ही काम हो रहा है।
तो अभी आपको समझ में आ गया है कि ये एक्चुअली काम कैसे होता है। तो मैं अभी यहाँ पे JMS में प्ले कर साउंड प्ले करके आपको समझाऊंगा कि एग्जैक्ट में काम कैसे होता है। आप यहाँ पे हिंट पैनल में देख सकते हो कि मैं जब नोट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे नोट ऑफ एंड नोट ऑन ये लिखा आ रहा है। मतलब आप इसको देख के समझ रहे हो कि मैं इसको होल्ड किया हुआ हूँ या छोड़ दिया हुआ। अभी छोड़ दिया हुआ इसलिए नहीं है, जब मैं होल्ड करूँगा ध्यान से देखना यहाँ पे मतलब शो होता रहेगा। ठीक है, तो आप सबको ज़ीरो कर देते हैं। आप देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ, यहाँ पे हिंट पैनल में देख रहा है, आप कोई साउंड नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अटैक मैं इंक्रीज़ करते जा रहा हूँ फिर भी ठीक से साउंड नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ अटैक को छेड़ा हूँ। ठीक है, अब अटैक को छेड़ूंगा तो ऊपर में मैं समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। सबको बंद कर देता हूँ, सॉरी, मतलब साउंड जाके अचानक नीचे आ रहा है, जाके नीचे आ रहा है। ठीक है, तो अटैक के साथ साथ मैं अभी टीके को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा एंड उसके बाद सस्टेन को करूँगा इंक्रीज़ एंड उसके बाद रिलीज़ को थोड़ा सा करूँगा। अब मैं यहाँ पे तो कर लिया, पर आपको तो समझ में नहीं आया ना कि इन्वॉल्व में कैसे क्रिएट हुआ है, तो इसके लिए मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। ये मैं थोड़ा सा डीके को इंक्रीज़ किया, सस्टेन को इंक्रीज़ किया, रिलीज़ को इंक्रीज़ किया, मतलब इस टाइप का एक इन्वॉल्व क्रिएट हुआ है। तो मैं अभी अगर कुछ प्ले करूँगा GMS में, मतलब साउंड एकदम ऊपर जा रहा है उसके बाद अचानक नीचे आके थोड़ा सा मतलब एक रिलीज़ हो रहा है। अब रिलीज़ को अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर दूँगा तो क्या होगा, देखो अब एकदम मतलब एकदम ज़्यादा है, मतलब ऊपर में देखो ऐसा इस टाइप का है। ठीक है, मैं जस्ट प्रेस करके छोड़ दे रहा हूँ। तो अभी अगर आपको समझ में आ गया है, तो अभी अगर अटैक को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा तो क्या होता है, देखो मतलब ऊपर में अगर मैं दिखाऊँगा ऐसे किया हूँ मैं अगर होल्ड करके रखूँगा तो क्या होता है, देखो आप इसको समझ लेते हैं। जो यहाँ पे जो सस्टेन होता है ना, सस्टेन ये हमारा मेन मतलब साउंड है। ठीक है, मतलब मेन साउंड का इन्वेल्व है सस्टेन। मतलब क्या होता है, मैं जब भी कोई की को प्रेस करके रखूँगा मतलब होल्ड करके रखूँगा ना, तो वो साउंड करते रहेगा। तो वो जो ओरिजिनल साउंड है उसमें मतलब ये सस्टेन जितना होगा उतना ही साउंड इसमें आएगा। मतलब ये लेवलिंग का काम होता है। देखो मैं सस्टेन को कम कर दूँगा, देखो साउंड अभी आ रहा है बट बहुत कम आ रहा है। मतलब ऊपर में देखो मैं इस टाइप का डिज़ाइन किया हूँ, मतलब मैं क्या बोला था, अटैक क्या था, अटैक था जो मतलब जो साउंड है उस साउंड का एकदम पीक जो मतलब एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है, पीक एम्पलीट्यूड, तो पीक एम्पलीट्यूड में पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है, तो इसलिए यहाँ पे अटैक थोड़ा ज़्यादा है। तो इसलिए क्या हो रहा है, मतलब पीक में पहुंच जा रहा है, पहुंच जाने के बाद जो डीके था क्या था, सस्टेन में अटैक से सस्टेन में आने के लिए जितना टाइम लगता है। ठीक है, तो वो था डीके, तो डीके यहाँ पे बहुत कम है, इसलिए मतलब क्या हो रहा है, अचानक मतलब कम हो रहा है। एंड सस्टेन तो यहाँ पे बहुत ही कम है, इसलिए साउंड का लेवल बहुत कम है। तो इसका मतलब है कि साउंड बहुत कम साउंड करेगा, सॉरी, मतलब साउंड बहुत साउंड कम करेगा, मतलब साउंड यहाँ पे मतलब उतना ज़्यादा नहीं आएगा, उसका लेवल थोड़ा सा कम है, मतलब बहुत ही कम है। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, अब ऊपर में देखो मैं इनको इंक्रीज़ किया, मतलब इसमें डिज़ाइन में कैसा चेंज हो जाएगा, ऐसा चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको प्ले करूँगा, मतलब ये अचानक ऐसा साउंड हो रहा है। अब थोड़ा डीके को इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब अभी इसमें थोड़ा सा ऐसा टाइम का फर्क आ गया है, मतलब अटैक से सस्टेन में जाने के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब धीरे धीरे डाउन हो रहा है। इसको अगर एकदम कम कर दूंगा, आपको आपको मतलब ध्यान में आ रहा है ना कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है कुछ, पर ज़्यादा कर दूंगा नहीं हो गया। तो अभी रिलीज़ को थोड़ा कम कर देते हैं, रिलीज़ को कम किया मतलब यहाँ पे ऊपर में क्या होगा, ऐसा होगा, मतलब साउंड मैं जब भी प्रेस कर रहा हूँ मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है। ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो अभी आपको शायद मतलब समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो अटैक वही चीज़ है कि इसको इंक्रीज़ करेंगे, मतलब यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है, आप ऊपर में इन्वेलप में मैं शो कर रहा हूँ, ये इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब क्या है कि जो पीक एम्पलीट्यूड है, पीक एम्पलीट्यूड में पहुँचने के लिए कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, अब उसके बाद आता है डीके, डीके मतलब डीके अगर इंक्रीज़ करूँगा तो ये क्या हो रहा है, ये सस्टेन जो है, ये जो सस्टेन का लेवल है, ये सस्टेन मतलब अटैक से सस्टेन में आने के लिए कितना टाइम ले रहा है।
ठीक है, सस्टेन ही हमारा मेन साउंड है। तो सस्टेन में क्या हो रहा है, जितना सा लेवल यहाँ पे सेट करके रखा हुआ है हम, तो उतना ही साउंड हमको आएगा। पर वो साउंड आने में एंड जाने में क्या क्या चीज़ हो रहा है, तो उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं कैसे, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं अटैक, टीके एंड जो सबसे लास्ट में जो होता है रिलीज़। तो ये तीनों चीज़ से हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब कैसे साउंड आएगा, उसके बाद कैसे साउंड मतलब होगा, वो तो सस्टेन को मतलब सस्टेन में जितना लेवल है उसमें ही कंट्रोल हो रहा है। एंड उसके बाद छोड़ने के बाद साउंड कैसे ख़त्म होगा, मतलब एंड कैसे होगा, तो वो कैसे होगा, उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं रिलीज से। तो ADSR का मेन फंडा यही था। मतलब मैं आपको कोशिश किया कि कितना शॉर्ट में मैं आपको एग्जैक्टली मतलब समझा पाऊँ कि एंड प्रैक्टिकली समझा पाऊँ कि एग्जैक्टली कैसे काम होता है एंड क्या मतलब क्या चीज़ है। एंड ADSR का म्यूज़िक प्रोडक्शन में इतना सा मतलब रोल होता है ना, आपको क्या बोलूँ। ओके, तो अभी शायद आपको समझ में आ चुका है कि ये चारों जो चीज़ें हैं, अटैक, डीके, सस्टेन एंड रिलीज कैसे काम होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक होता है, इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक में ADSR का बहुत बड़ा रोल होता है। तो ADSR से बहुत कुछ किया जाता है, तो आप भी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का चीज़ है, बट उतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे इसको लेके, तो आपको एकदम मतलब इजी में मतलब सब कुछ कर पाओगे आप, मतलब एकदम समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। ADSR सिर्फ मतलब VST में जो साउंड जनरेट हो रहा है ऑसिलेटर से, उसमें सिर्फ यूज़ होता है, ऐसा नहीं है। ये हर एक चीज़ में यूज़ होता है, मतलब कोई भी जो इफेक्ट होता है ना, मान लो आपका कोई नोट पे आपका पिच जा रहा है, आप उसको चेंज करोगे, तो वो जो चेंज होगा ना, वो चेंजिंग मतलब कैसे होगा, उसको कंट्रोल कर सकते हो आप ये ADSR के माध्यम से। ओके, तो अभी लगता है कि मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया हूँ ADSR के बारे में। मतलब ADSR को मैं एक एक करके आपको समझाया कि ADSR क्या होता है। तो एक्चुअली ADSR का बहुत बड़ा रोल होता है म्यूज़िक प्रोडक्शन में। मतलब आप कोई भी साउंड को जब डिज़ाइन करते हो, तो उसमें ADSR से आप मतलब साउंड को किसी भी पोर्शन में चेंज कर सकते हो। मतलब एक साउंड होता है जो मतलब एक शॉर्ट साउंड करता है, ठीक है, आप उस शॉर्ट को आप कैसे डिज़ाइन करके थोड़ा सा लॉन्ग कर दोगे, या कोई लॉन्ग साउंड को लेकर आप उसमें शॉर्ट करोगे। एंड सिर्फ लॉन्ग शॉट का बात नहीं है, मतलब बहुत सारा काम होता है ADSR से। एंड आपको पता भी चल चुका होगा कि ADSR से क्या क्या चीज़ मतलब हो सकता है। तो अभी भी अगर आपके माइंड में ADSR लेके कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट में बोल दो। एंड इस वीडियो को लाइक करना मत भूलो, जल्दी से जल्दी जाके अभी लाइक कर दो। एंड इस वीडियो को शेयर करना आपके प्रोड्यूसर फ्रेंड या आर्टिस्ट फ्रेंड के साथ। ऐसे अगर आपको म्यूज़िक प्रोडक्शन के बारे में और भी जानना है, तो इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, ताकि नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो भी आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।